के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी आपको बता दें, लखनऊ में मनोज बाजपेयी ने किया है साइलेंस 2 द नाइट आउट बार शूट आउट का प्रमोशन। लखनऊ की सड़कों पर जीप में नजर आए हैं एसीपी अविनाश वर्मा उर्फ मनोज बाजपेयी। अभिनेता मनोज बाजपेयी हाल ही में अपनी आने वाली G5 ओरिजिनल फिल्म साइलेंस 2 द नाइट आउट बार शूट आउट में प्रमोशन के लिए नवाबों के शहर लखनऊ की सड़कों पर नजर आए हैं, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार भी है। पिछले हफ्ते इस फिल्म का दिलचस्प ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसके बाद से ही यह लोगों के बीच चर्चा में है। दर्शकों से जुड़ने और फिल्म के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ाने के इरादे से मनोज बाजपेयी लखनऊ आए। यह नजारा उस समय और भी ज्यादा शानदार हो गया जब बाजपेयी एक खुली जीप में शहर की सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दिए, जिसमें उनके साथ फिल्म में उनके किरदार एसीपी वर्मा जैसे दिखने वाले कई लोग भी शामिल थे। इस फिल्म में वाजपेयी एक बार फिर से बेहद सख्त रवैये वाले एसीपी अविनाश वर्मा के किरदार में नजर आ रहे हैं, जो स्पेशल क्राइम यूनिट की कमान संभालते हुए सिलसिलेवार तरीके से हुई हत्याओं की गुत्थी सुलझाने के लिए समय को मात देने की कोशिश कर रहे हैं। अबन भरूचा, देवहंस के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में प्राची देसाई, साहिल वैद, वकार शेख, दिनकर शर्मा और पारुल गुलाटी भी अहम किरदार निभा रहे हैं। वही 16 अप्रैल को G5 पर प्रीमियर होने वाली है यह फिल्म साइलेंस 2 द नाइट आउट बार शूट आउट का अनुभव यकीनन दर्शकों के लिए बेहद शानदार होने वाला है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता मनोज बाजपेयी। सर, आपका लखनऊ में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। इस फिल्म का मेन मोटो क्या है? फिल्म का मेन मोटो यह है कि भाई देखिए, कोई भी जो आदमी बुरा काम करता है, कर्म उसे पकड़ ही लेता है। उसका जो है सबसे बड़ा जो संदेश कहें यही है कि अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आप ज्यादा समय बच नहीं पाएंगे। लखनऊ वासियों को क्या संदेश देंगे फिल्म के माध्यम से? ये कहूंगा कि साइलेंस 1 को लखनऊ ने लोगों ने बहुत प्यार दिया है। तो कैसा लगता है आपको ऐसे? बहुत कमाल लगता है। धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ बात कर रहे थे बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी, जिन्होंने अपनी राय रखी। कैमरामैन सत्येन के साथ शुभम अवस्थी लखनऊ से। पहली बार एक नए अवतार में आपको देखा गया है, जी काफी दिखाया गया है, ऐसे भी अविनाश जी का रोल है, इस तरह की मूवीज आपने बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं की है, मैं तो उस अभिनेता के तौर पे जाना जाता हूँ कि जो लगातार हर फिल्म के साथ कुछ ना कुछ मैं प्रयोग करता रहता हूँ। कभी किसी इमेज से बंद करके रहना ना पसंद किया। ऐसा कहूँ कि मुझे एक रोल करने के बाद फिर वापस से उस रोल को करने का जो है मन नहीं करता है, बोर हो जाता हूँ। कुछ ना कुछ नया करना जो है वो लगातार कोशिश रही है, और ज़्यादातर जो काम रहे हैं वो जनता ने पसंद किया है, और मुझे लगा कि लगातार कुछ प्रयोग करता रहना चाहिए, क्योंकि जनता यही, दर्शक मुझसे जो है यही उम्मीद करती है और मैं भी अपने आप से यही उम्मीद करता हूँ। नया प्रयोग यह है कि मर्डर मिस्ट्री इस तरीके का कभी किया नहीं था, और जब G5 पे पिछली बार जब पहला आया था साइलेंस, वो बहुत ज़्यादा अति सफल हुआ था, जिसके कारण G5 ने हमसे ज़िद किया कि हम दूसरा भी बनाएं। तो दूसरा लिखने में काफ़ी समय गया, कम से कम 1.5 साल 1.5-2 साल लिखने में गया, और उसको शूटिंग करके फिर बना के फाइनल करके आप तक लेके आने में जो है काफ़ी समय लगा। लेकिन धैर्य का जो है धैर्य रखें तो हर कुछ जो है सही ही होता है। इस बार जो है बहुत बड़ा है, और पिछली बार में एक खून था, यहाँ कई खून हैं, कई मर्डर हैं, और चुनौतियाँ अविनाश वर्मा एसीपी के सामने बहुत बड़ी हैं। अब देखते हैं कि उसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, अगर कर पाएंगे तो क्या क्या जो ऑब्स्टेकल्स हैं और चुनौतियाँ हैं उसका सामना उनको करना पड़ेगा। छठी फिल्म थी जी, क्रिमिनल बैकग्राउंड पर वो फिल्म थी जी,
अब ये जो साइलेंस टू साइलेंस वन आपके लिए साइलेंस टू आई, इसमें रहस्यमय तरीके से जो हत्याएं होती हैं उसके पीछे एसीपी अविनाश गुप्ते ने, कैसे देखते हैं इसे? बहुत कमाल है ना कि एक तरफ आप क्रिमिनल का रोल करते हैं, दूसरी तरफ आप पुलिस वाले क्या करते हैं। ये कमाल का हमारा काम है और यही चीज़ मुझे अच्छा लगता है कि अलग अलग किरदार, बिल्कुल भिन्न भिन्न किरदार को करने का मौका लगता है और इसी में मुझे बहुत मज़ा आता है। और मज़ा इतना आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा करने की, अलग अलग रोल करने की चाहत जो है वो कभी ख़त्म ही नहीं हो रही है। अब लगता है कि जब हड्डियाँ जवाब देंगी तभी जो है रुक पाएगा आदमी, लेकिन अभी और भी बहुत अच्छे अच्छे रोल्स, किरदार, फिल्में बहुत ज़्यादा मेरे पास हैं और जिनकी शूटिंग कर रहा हूँ, कुछ बन चुकी हैं, जिसमें से भैया जी है जो कि जिसकी शूटिंग लखनऊ के आसपास की थी हमने, बहुत बड़ी फिल्म है वो, तो वो 24 मई को हम लोग लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। सत्या के मनोज बाजपेयी और साइलेंस 2 के मनोज बाजपेयी में चेंज किस तरह से देखते हैं? पहले बहुत गुस्से वाला था, अब मैं शांत हो गया हूँ। मनोज बाजपेयी पहले कुछ ज़्यादा ही युवा अवस्था में था, एक कुछ कर गुजरने की चाहत थी। आज का मनोज बाजपेयी कर गुजरने की चाहत है, लेकिन उम्र और अनुभव के साथ वो शांत भी हुआ है और अपनी ऊर्जा को काफ़ी बचाता है। और पहले का मनोज बाजपेयी अध्यात्म में पूरी तरह से नहीं था, आज का मनोज बाजपेयी पूरी तरह से अध्यात्म में है। तो बहुत सारी चेंजेस होते हैं, जैसे अगर आप, मैं आपको कहूं कि आज से 20 साल आपके पहले कैसे थे, तो आप बिल्कुल, बहुत सारे आप थे वही, लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी जो अब नहीं हैं, आपने बदलाव किया। तो हम भी कहे के लिए लड़ेंगे? ये डॉक्टर ने कहा है क्या कि अब एक्टर जो है चुनाव ही लड़ेगा? ऐसा कुछ थोड़ी होता है। नहीं, each and every job is separate from each other, right? Something about Lucknow. I loved it. I shot Bhaiya Ji just few months back, which is going to be coming on 24th May. It's a massive mainstream commercial film. This is the first time I have done something like this, so I'm looking forward to that one. I loved Lucknow, my stay in Lucknow. I think I have eaten all the biryanis and the kormas and the pulavs from everywhere possible. Thank you.